Hello everyone, in SST this is lesson 8, the land of the hot sun, that is Saudi Arabia. In this chapter we will read about the desert areas. A desert is an arid and dry area with little or no vegetation. There are many deserts in the world. The Sahara and the Kalahari Desert in Africa. The Colorado and Mexican deserts in North America, the Atacama Desert in South America, the Great Australian Desert in Australia, the Arabian and Thar Deserts in Asia. Saudi Arabia is located in the Arabian Desert. It is the largest country of the Middle East. The capital of Saudi Arabia is Riyadh. Saudi Arabia Arabian Desert mein located hai. यह मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी कंट्री है और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है. द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन. मोर देन 80% ऑफ सऊदी अरेबिया लाइज इन द अरेबियन पेनिनसुला. पेनिनसुला मीन्स एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स. सऊदी अरेबिया का 80% जो भाग है वो अरेबियन पेनिनसुला में आता है. सऊदी अरेबिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. ऑन इट्स ईस्ट इज द पर्शियन गल्फ एंड ऑन इट्स वेस्ट इज द रेड सी. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया की एक लंबी तटरेखा है. इसके ईस्ट में पर्शियन गल्फ और वेस्ट में रेड सी है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सऊदी अरेबिया के बीच से होकर गुजरता है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज प्लेन्स एंड रगेड माउंटेन्स. द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स हैव ड्राई डेजर्ट्स एंड प्लेटोज. द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया हैज माउंटेन्स एंड इज नोन फॉर इट्स फ्रेश क्लाइमेट. देश के वेस्टर्न पार्ट में प्लेन्स और उबड़ खाबड़ माउंटेन्स हैं. सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में ड्राई डेजर्ट्स. ड्राई डेजर्ट्स मीन्स शुष्क मरुस्थल और प्लेटोज मीन्स पठार हैं. सऊदी अरेबिया के साउथ वेस्ट रीजन में पहाड़ हैं और यह फ्रेश क्लाइमेट के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज नेबर्स. सऊदी अरेबिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द फॉलोइंग कंट्रीज. जॉर्डन, इराक एंड कुवैत इन द नॉर्थ, कतार, बहरीन एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन द ईस्ट, द अरेबियन सी, ओमान एंड यमन इन द साउथ, द रेड सी इन द वेस्ट. सऊदी अरेबिया अपनी बाउंड्रीज को इन देशों के साथ शेयर करता है. ये नॉर्थ में यहाँ जॉर्डन, इराक और कुवैत के साथ, ईस्ट में यहाँ कतार, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और साउथ में यह अरेबियन सी, ओमन और यमन के साथ, और वेस्ट में रेड सी के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स द सैंड कॉजिंग द डे टेम्परेचर टू राइज शार्पली एंड एट नाइट द सैंड कूल्स वेरी फास्ट कॉजिंग द नाइट टेम्परेचर्स टू ड्रॉप. देयरफोर द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड. सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है. दिन के समय सन सैंड मीन्स रेत को बहुत जल्दी गर्म करता है जिससे कि दिन का जो टेम्परेचर है तेजी से बढ़ता है. रात को रेत जो है बहुत तेजी से ठंडी होती है जिससे रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. इसलिए जो दिन होते हैं वो काफी गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं. सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स. स्ट्रांग विंड्स कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फॉर्म सैंड माउंट्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स. द शेप ऑफ सैंड ड्यून्स चेंजेस विद द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. सैंड स्टॉर्म मीन्स रेत के तूफान आना जो है डेजर्ट में आम बात है.
जो तेज हवाएं होती हैं वो सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ा के ले जाती है और वहां पे टीलों का निर्माण करती है, जिसे कि सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये सैंड ड्यून्स जो हैं हवा की डायरेक्शन के हिसाब से अपनी शेप को चेंज करते हैं। डेजर्ट्स रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल। द कोस्टल रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया इज ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। हाउएवर द साउथ वेस्टर्न रीजन रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू अ चेन ऑफ स्टीप माउंटेन्स। हिल स्टेशन लाइक अल टैफ एंड अबा रिमेन कूल ड्यूरिंग समर। डेजर्ट में या तो बहुत कम बारिश होती है या फिर बारिश ही नहीं होती है। सऊदी अरेबिया का जो कोस्टल रीजन है वहां पूरे साल भर नमी रहती है, ह्यूमिड मीन्स नमी, जबकि साउथ वेस्टर्न जो रीजन है वहां पर पहाड़ों की खड़ी श्रृंखला के कारण जो है बारिश होती है। हिल स्टेशन अल टैफ और आभा गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन। एज सऊदी अरेबिया रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, द सॉयल हियर इज नॉट फर्टाइल। लेस देन 2% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया इज एरेबल लैंड। जैसे कि सऊदी अरेबिया में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं है। देश के कुल क्षेत्रफल का 2% से भी कम कृषि योग्य भूमि है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कैक्टाई, थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप डाउन इन सर्च ऑफ वाटर। डेजर्ट में कैक्टाई मीन्स नागफनी, कांटेदार झाड़ियां और झाड़ियां उगती हैं। इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं, जिससे कि वो पानी की तलाश में बहुत गहरी हो जाती हैं। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फ्लैशी एंड स्टोर वाटर। लीव्स आर रिड्यूस्ड टू थॉर्न्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इन सम एरियाज मेलन्स, डेट्स एंड टमेटोज आर ऑल्सो ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल। इन प्लांट्स की स्टेम्स जो हैं मोटी होती हैं, जिससे कि पानी को उसमें स्टोर किया जा सके। पत्तियों में जो है कांटों को कम किया जाता है, जिससे कि पानी की हानि को रोका जा सके। कुछ क्षेत्रों में खरबूजे, खजूर और टमाटर छोटे पैमाने में उगाए जाते हैं। दैट्स ऑफ टुडे चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।